दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बैंक एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। अब इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट यही डिस्कस करेंगे कि क्या इस अकाउंट के एडवांटेजेस हैं, क्या इस अकाउंट के बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमसे चार्ज करता है। अब यहां पर वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि मान लीजिए अगर कल को हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन भी कर लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि क्या हमारा पैसा सुरक्षित है। वेल देखो, यहां पर अगर कल को आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये वेलकम किट दी जाएगी। इस वेलकम किट पर सबसे नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है इंश्योर्ड बाय DICGC। अब ये DICGC क्या है? DICGC RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यहां पर DICGC हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जो कि कभी होने नहीं वाला, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए कल को मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूं और मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा देता हूं एक बार के लिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कल को मान लीजिए ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाता है तो इस केस में मेरे 5 लाख रुपए नहीं डूबेंगे क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हर कस्टमर DICGC से इंश्योर्ड है। DICGC हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर कल को ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब भी जाता है तो मेरे 5 लाख रुपए मुझे DICGC पे कर देगा। अब ये DICGC RBI की सब्सिडरी बॉडी है, यानी 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल को अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब भी जाता है तो 101% मेरा पैसा DICGC मुझे वापस पे कर देगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि DICGC केवल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करता है। यानी मान लीजिए अगर आपने 7 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए थे और अगर एक बार के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाता है तो उस केस में भी आपको 5 लाख रुपए ही DICGC पे करेगा क्योंकि DICGC मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब पहली बात तो बहुत बड़ा बैंक है, यानी इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दूसरी बात, RBI के अंडर ही काम करता है, यानी RBI की गाइडलाइंस के अंडर ही काम करता है। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो मेरी पर्सनल सजेशन आपको यह है कि इस बैंक अकाउंट में आप 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट फिर डिपॉजिट मत करना क्योंकि 5 लाख रुपए तक तो आपका पैसा 101% DICGC से इंश्योर्ड है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि मान लीजिए मैं अपना बैंक अकाउंट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन कर लेता हूं तो सबसे पहले मेरे पास वेलकम किट आएगी। उस किट के अंदर मुझे एक डेबिट कार्ड मिलेगा। अब उस डेबिट कार्ड से मैं कितनी ट्रांजेक्शन कर सकता हूं? अब मान लीजिए उस डेबिट कार्ड से आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से ही कैश विड्रॉ करते हैं तो महीने में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है, यानी आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस डेबिट कार्ड को किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश विड्रॉल के लिए यूज करोगे तो उस केस में महीने की केवल 5 ट्रांजेक्शन ही आपको फ्री मिलेगी, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब दूसरा सवाल यह आता है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा अकाउंट ओपन होने के बाद जब मुझे वेलकम किट मिलेगी तो उसके अंदर मुझे डेबिट कार्ड मिलेगा। अब इस डेबिट कार्ड की आपको 177 रुपए की फीस पर NM के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक सवाल यह आता है कि बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे वीडियो KYC का तो ऑप्शन मिलता है, यानी मुझे ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहां पर मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी अगर मैं दूसरे बैंकों की बात करूं जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं जैसे कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो उस केस में मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता था। यानी अगर मैं फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर नहीं मंगवाना चाहता तो मैं वहां पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी चूज कर सकता था। वर्चुअल डेबिट कार्ड का फायदा यह होता है कि काम वो डेबिट कार्ड की तरह ही करता है, बस वो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड है और उस केस में मुझे किसी भी प्रकार की ATM कार्ड की फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर मंगवाना ही पड़ेगा। इस फिजिकल डेबिट कार्ड की फीस है 177 रुपीज पर NM। अब यहां पर एक और सवाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि काफी बार आपने टीवी पर एड देखी होगी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट्स सेविंग्स अकाउंट,
यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी प्रकार का 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट पर ऑफर नहीं कर रहा। यह सिर्फ एक टीवी की एड्स है। अगर आपको सच में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस सेविंग्स अकाउंट पर चाहिए तो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की वैल्यू डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक्चुअल ब्रेकअप बताऊं तो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए तक बैलेंस रखते हो तो इस केस में आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके बाद अगर बैलेंस 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो इस केस में 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको ऑफर करता है। अगर 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में आप बैलेंस रखते हो तो इस केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा अपने सेविंग्स अकाउंट पर। अगर 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में आप बैलेंस अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो इस केस में आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फिर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। यानी आप यह सोच के अकाउंट ओपन मत करना कि आप अगर इस अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000 रुपए रखते हो तो उस केस में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उस केस में आपको सिर्फ 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं है, और बैंकों की तुलना में 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप और बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप ICICI बैंक जो कि लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो अपने सेविंग्स अकाउंट पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेविंग्स अकाउंट पर बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आप 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट सोचकर इस अकाउंट को ओपन मत करना, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं टीवी की एडवर्टीजमेंट देख करके ही बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि सच में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें सेविंग्स अकाउंट पर मिलेगा। इसके बाद सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप NEFT, RTGS, UPI, IMPS किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं। इन सब के अलावा किसी भी सरकारी योजना में जैसे कि सुकन्या, PPF, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा ऑनलाइन अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ऐसे ढेरों ऑप्शंस आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो एक मेन पॉइंट ये भी आता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मंथली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट करके देता है। अगर आप किसी भी दूसरे बैंक को देखें तो वो आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट हर 3 महीने में एक बार क्रेडिट करता है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मंथली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करके देता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन करते हैं तो आपको 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करता है। अब अगर आपको लगता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको सिंपली यहां पर एंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की और आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, यानी आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। सिंपली उसके बाद आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, फिर आपकी वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो KYC पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक एम्प्लॉय आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एम्प्लॉय को शो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड तो आप उस एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो KYC आपकी खत्म हो जाएगी और आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपन हो जाएगा। डिटेल्स आपको SMS के माध्यम से 1 घंटे में आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी और ईमेल पर भी आपको आपके अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड डिटेल्स भेज दी जाएगी। अब अकाउंट ओपनिंग के बाद लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये वेलकम किट आपके घर पर डिलीवर की जाती है। एक बार मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस वेलकम किट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पर भेजी जाती है। इस वेलकम किट के अंदर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से भेजी जाती है। सबसे पहले यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। इस डेबिट कार्ड की फीस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 177 रुपए पर NM के हिसाब से आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पे करनी पड़ती है।
उसके बाद डेबिट कार्ड के अलावा आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक चेकबुक भी फ्री दी जाती है। अब यहां पर जितने भी ये चेक्स हैं, ये चेक्स यूज होने के बाद अगर आप नई चेकबुक की रिक्वेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज की फीस इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पे करनी पड़ेगी। इस चेकबुक और डेबिट कार्ड के अलावा जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, यही सारी चीजें लिखी गई हैं। तो ये हमारा बाकी कुछ भी काम का नहीं है। यानी वेलकम किट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा और आपको चेकबुक मिलेगी। काफी लोगों का सवाल ये होता है कि हमें पासबुक भी चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि पासबुक आज की डेट में आउटडेटेड हो चुकी है। अगर आपको आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए तो आप स्टेटमेंट अपने ईमेल आईडी पर भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको जितने भी टाइम की स्टेटमेंट चाहिए सिंपली आप स्टेटमेंट अपनी ईमेल आईडी पर भी मंगवा सकते हैं। पासबुक आज के समय कोई भी प्राइवेट बैंक, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर नहीं करता। बहुत ही कम सरकारी बैंक है जो आज की डेट में पासबुक ऑफर करते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ही कम प्राइवेट बैंक्स में पासबुक का ये ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि आज की डेट में ईमेल आईडी पर ही इजीली आप अपनी स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। तो यहां पर मेनली अकाउंट ओपनिंग जो वेलकम किट है, इसके अंदर आपको चेकबुक और एक डेबिट कार्ड मिलेगा। यहां पर दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सारे फीचर्स एडवांटेजेस आपको समझ आ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है कि ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपके लिए मैंने नीचे अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी दे दिया है। उस लिंक पर इजिली क्लिक करके फ्यू स्टेप्स के अंदर ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।